हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बाइकों के बारे में, जो कि जिसमें से BS6 है टॉप 5 और टॉप 5 जो है ओल्ड मॉडल BS4 है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी लेनी, जैसा कि आप लोगों को पता है इस समय त्यौहार का टाइम चल रहा है और बहुत से लोग जो हैं नई गाड़ियां लेने के लिए सोच रहे हैं और बहुत से लोग पुरानी गाड़ी भी लेने के लिए सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 न्यू गाड़ी और टॉप 5 BS4 गाड़ी और BS6 गाड़ी, दोनों गाड़ियों के बारे में बताऊंगा। तो पहले जो है हम BS6 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको लेनी चाहिए अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं BS6 गाड़ी, और कौन सी लेने के लिए सोच रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप BS6 गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है मैं काफ़ी दिनों से मैकेनिक का काम कर रहा हूँ और मुझे इतना अनुभव है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। अगर आप डेली यूजर के लिए चाहिए या कभी कदार के लिए चाहिए या डेली आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर आप ऑफिस वगैरह का काम करते या फील्ड में काम करते तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और अगर आपको स्पोर्ट गाड़ी लेनी, हैवी गाड़ी लेनी तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों 5 गाड़ियों के बारे में बताऊँगा मैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट पर आती है अपाची। अगर दोस्तों आप लोग स्पोर्ट गाड़ी ले रहे हैं और जैसे छोटा मोटा घर का काम भी करना है, जाना है मार्केट जाना है और आना है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए अपाचे रहेगी। ठीक दोस्तों, और दूसरे नंबर पे आती है पल्सर। ठीक दोस्तों, पल्सर को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि अपाचे की जो स्मूथनेस होती है वो अलग होती है और पल्सर की जो स्मूथनेस होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक दोस्तों, अपाचे जो होती है रेगुलर चलती है, उसका पिकअप जो होता है कभी जल्दी कम नहीं होता है, और जो पल्सर होती है पल्सर का पिकअप तो कम नहीं होता है लेकिन कुछ समय बाद जब वो होती है चलते चलते वाइब्रेशन करने लगती है और काफ़ी प्रॉब्लम उसमें आने लगती है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपाचे और पल्सर, अगर आप यंग जनरेशन के हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी एज 20 साल है या 20 से 30 साल के अंदर की है या 35 साल की भी है, तो भी आप अपाचे या ये सब गाड़ियां ले सकते हैं, अपाचे या पल्सर ले सकते हैं। अगर आप एजेड हैं या फिर आपको ज़्यादा मतलब गाड़ी चलाने का शौक़ नहीं है या फिर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है, तो आप अगर एजेड है तो आपको एक्टिवा, सुजुकी, ये सब गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी है, आपको एक्टिवा लेनी है। ठीक दोस्तों, अगर आपका पैसा अच्छी जगह आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप समझ लीजिए एक्टिवा ले लीजिए और उसको कुछ समय बाद आप यूज़ करके बेच भी सकते हैं, और सुजुकी उजकी जो लेते हैं आप उसमें आप ज़्यादा समय तक यूज़ करने के बाद आप बेच नहीं सकते, और बिल्कुल बेचेंगे तो बिल्कुल लो क्वालिटी में जाएगी, लो रेट पर जाएगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप एजेड है तो आप एक्टिवा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दो गाड़ी और कौन सी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसा कि देखा है कि मेरे पास आती रहती है अपाचे आती रहती है, पल्सर आती रहती है, मैंने दोनों को चेक किया और दोनों का जो है मेंटेनेंस देखा, तो दोनों की मेंटेनेंस और दोनों का जो है स्मूथनेस हो है दोनों अच्छी चलती हैं। लेकिन जो है अगर आप एजेड है तो आप एक्टिवा ले सकते हैं। और दोस्तों दो गाड़ियां आप कौन कौन सी ले सकते हैं, तो दो गाड़ियों में से आप HF डिलक्स ले सकते हैं या फिर स्प्लेंडर ले सकते हैं। पैशन इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पैशन मेरे पास आ चुकी है, आपने मेरी वीडियो देखी हो। पैशन और जो ग्लैमर है ये आप क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने इन गाड़ियों को बनाया है और देखा है कि ये गाड़ियाँ काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं, इनकी जो इंजन है काफ़ी आवाज़ करता है और टाइमिंग चैन भी इनकी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक दोस्तों, और स्प्लेंडर और जो है HF डिलक्स है, इनका जो इंजन है अभी भी थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, ओल्ड मॉडल की तरीके अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप BS6 गाड़ियां ले रहे हैं तो ये आप 5 गाड़ियां ले सकते हैं, HF डिलक्स और आपकी स्प्लेंडर और आपकी अपाचे या फिर आपके पल्सर या फिर आप एक्टिवा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आपसे BS4 गाड़ियों के बारे में। ठीक दोस्तों, तो BS4 गाड़ियों में कौन सी गाड़ी लेनी है, BS4 या BS3 में कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, तो दोस्तों सबको पता है BS4 या BS3 में सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी। अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं और BS4 या BS3 लेना चाहते हैं तो दोस्तों या तो आप ले लीजिए अपाचे।
एक दोस्तों अपाचे को मैंने इसलिए लिस्ट में रखा है क्योंकि अपाचे जो होती है गाड़ी बहुत ही अच्छा होता है, उसका जो पिकअप होता है जैसे कि मैंने पहले BS6 में बताया था, पिकअप की जो है पिकअप बहुत अच्छा होता है और माइलेज भी उसका बेस्ट होता है। ठीक दोस्तों, ये अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी ले सकते हो, तो दोस्तों अपाचे ले सकते हैं, पल्सर ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये गाड़ियाँ तो लिस्ट में है ही हैं। और उसके बाद आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, उसके बाद आपको स्प्लेंडर ले लेनी है या फिर पैशन प्रो ले लेनी है अगर BS4 ले रहे हैं तो, और दोस्तों आपको HF डिलक्स ले लेनी है, हांडा साइन ले लेनी है। ठीक दोस्तों, ये सब गाड़ियां ले लेनी है और एक्टिवा भी ले लेनी है। अगर आपको मान लीजिए आपको जैसे कि मैंने BS6 के बारे में बताया था वैसे ही पूरी जो चीज़ें हैं सब इन गाड़ियों में भी है BS4 में, जो वो BS4 भी सक्सेस थी और BS6 भी सक्सेस थी, इसलिए इनका अपडेट वर्जन बना हुआ है। ठीक दोस्तों, लेकिन जो ग्लैमर हो गई और पैशन हो गई BS6 में ये सक्सेस नहीं है, इस वजह से इनका अपडेट वर्जन बना करके कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है। ठीक दोस्तों, तो मेरी राय यही है कि अगर आप लोग ओल्ड गाड़ियाँ लेते, पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेती हैं तो पैशन प्रो ले लीजिए, HF डिलक्स ले लीजिए या फिर स्प्लेंडर ले लीजिए। हैवी गाड़ी में आप अगर लेना चाहते अगर आप हैवी गाड़ी में लेना चाहते हैं तो आपको जो है अपाचे ले लेनी है, 220 ले लेनी है या फिर पल्सर ले लेनी है। ठीक दोस्तों, ये तीन गाड़ियाँ ले लेनी है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों और अगर मान लीजिए स्कूटियों में लेनी है तो स्कूटियों में मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक्टिवा ही लीजिए, या आपको एक्टिवा या आपको मान लीजिए BS4 मिल जाती तो भी अच्छी है, BS5 तक बहुत ही अच्छी है अगर आपको मान लीजिए सेकंड हैंड लेनी है। आप ये सोच रहे हैं सुजुकी एक्सेस ले लेते हैं या फिर जुपिटर ले लेते हैं, तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जैसा कि मैं मिस्त्री हूं और मैं आपको बता देता हूं इनका जो पार्ट्स होता है काफ़ी महंगा मिलता है और काफ़ी दिक्कत के साथ मिलता है। ठीक दोस्तों, और इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है और जितनी ये गाड़ियाँ मैंने बताई इनका जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ही अच्छा है और हर जगह इनका काम हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। ठीक दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज भी है तो उसे भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, जो भी नए अपडेट होते हैं मैं उस पर डालता रहता हूँ और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में भी उसमें फ़ोटो डालता रहता हूँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।